हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एसएससी। अभी देखेंगे 11 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट के आए हुए एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में जीके और इंग्लिश के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हु डिस्कवर द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, मतलब कौन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन किसने डिस्कवर किया था। इसका आंसर होगा जोसेफ फ्रॉस। द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है? तो ये द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन विच स्टेट्स दैट एनी केमिकल कंपाउंड विल ऑलवेज कंटेन ए फिक्स्ड रेशियो ऑफ एलिमेंट बाय मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पाकिस्तान रशिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम, मतलब पाकिस्तान रशिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज उसका क्या नाम है? तो इसका नाम है द्रुजबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस एडिसन ने क्या डिस्कवर किया था? तो इसका आंसर है इलेक्ट्रिक बल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अर्थ ऑर्बिटल प्लेन एंगल, अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन एंगल कितना होता है? इसका आंसर होगा 23.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ एन एंथ्रोसाइट, एंथ्रोसाइट को आरबीसी भी कहते हैं, रेड ब्लड सेल, तो उसका एवरेज लाइफ स्पैन पूछा है तो कितना होता है? तो 4 महीने या 120 दिन। एंथ्रोसाइट का क्या फंक्शन है? इन द लंग्स एंथ्रोसाइट कैरी आउट टू फंक्शन दैट इन्वॉल्व ए गैस एक्सचेंज, फर्स्ट ऑक्सीजन ब्रेटेड इन इज पिक्ड अप बाय द एंथ्रोसाइट एंड कैरीड टू अदर सेल वेयर इट इज यूज्ड एज फूड एंड फ्यूल फॉर द बॉडी, देन कार्बन डाइऑक्साइड विच इज कंसिडर्ड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज ड्रॉप ऑफ बाय द एंथ्रोसाइट एंड ब्रेटेड आउट। मतलब एंथ्रोसाइट का क्या क्या है? तो ये गैस एक्सचेंज करता है, ऑक्सीजन को पिकअप करता है और ये सेल को पहुंचाता है जिससे खाना और फ्यूल का काम कर सके, और कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट है उसको बाहर निकालता है जो सांस के द्वारा बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया कैंसिल इशूइंग वीज़ा टू विच नेबरिंग कंट्री, इसका आंसर होगा चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेंज ऑफ ओशियन क्रस्ट, तो ओशियन क्रस्ट का कितना रेंज होता है? 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया ब्रिटिश इंडिया अंटिल 1911, तो ब्रिटिश इंडिया का 1911 तक कौन सा कैपिटल था? कलकत्ता था। 1911 के बाद नई दिल्ली में इसको शिफ्ट किया गया था ब्रिटिश इंडिया को कैपिटल को। नेक्स्ट इंग्लिश सेक्शन से देख लेते हैं, साइनो एंटवाद स्नीर का इसका मतलब उपहास करना या हंसी उड़ाना, करेक्ट स्पेलिंग एंड द मेंटेन मिसलेनियस का। अभी तक इतना ही क्वेश्चन मिल पाया है, अगर आप भी एग्ज़ाम आज देकर आए हैं तो क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर, और उसका मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।